जब बाग में फूल खिल उठते हैं, उन पर रंग बिरंगी तितलियां मंडराने लगती हैं, पेड़ों पर कोयल कूकने लगती हैं, सूर्य के किरणों को देख कोहरे के बादल धरती से धीरे धीरे छटने लगते हैं, खेतों में फसल लहलहा उठते हैं, सरसों के पीले फूलों से धरती सज जाती है। यह सब बातें बसंत ऋतु के आगमन की सूचना देता है। बसंत ऋतु मनुष्य ही नहीं, पेड़ पौधे पशु पक्षियों में भी नई चेतना व ऊर्जा का संचार करता है। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती, जो ज्ञान विज्ञान ध्यान कला व विद्या की देवी है, उनकी पूजा होती है। यह समय विद्या ग्रहण के लिए सर्वोत्तम माना गया है। साथ ही इस समय प्रारंभ किए गए शुभ कार्य सफल व फलदायी होते हैं। बसंत सबके लिए खुशियों की सौगात लेकर आता है, तभी तो बसंत को ऋतुओं का राजा कहते हैं। हैप्पी बसंत, शुभ बसंत, आप सबों को बसंत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए चलते हैं पार्क में छोटे से स्किट के साथ। एक पार्क में फूल आपस में बात करते। ओ, कितना सोई। वाह, मुझ पर कितना सुंदर रंग आया है। हाँ हाँ, मुझे भी देखो, कितना चटक रंग पाया है मैंने। लगता है बसंत आ गया। उसी समय भन्नु भावड़ा भी आ गया। ओह, बहुत दिनों से कुछ खाने को नहीं मिला। अरे फ्लावर सिस्टर, फ्लावर सिस्टर, क्या थोड़ा सा रस मिलेगा मुझे? बहुत दिनों से कुछ अच्छा खाना नहीं खाया। हाँ हाँ भौरे भाई, तुम्हारे लिए खूब सारा रस है, आ जाओ। उसी समय तितलियों ने कहा, इतने सुंदर फूल, अब तो खूब सारा रस भी मिलेगा और इनके रंगों से अपने पंखों को भी सजाऊंगी। खट्टू खरगोश भी खेतों की ओर गया तो खेतों में गाजर को देखकर बहुत खुश हो गया। खेतों में गाजर आ गए, अब तो जी भर कर खाऊंगा, पेट भर कर गाजर खाऊंगा। और टेटे तोता, उसको उसकी तो बात ही निराली थी। टे 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 टे, कितनी बोरिंग लाइफ है, एक ही तरह का खाना खा खा कर, एक ही जैसे फल खा खा कर मैं परेशान हो गया हूँ। अरे वाह बेर, लगता है बसंत आ गया। पेड़ भी आपस में बातचीत कर रहे थे। उन्होंने भी कहा, अब मुझ में नए पत्ते आने लगे। ओहो, अब मैं हरा भरा हो जाऊंगा। अरे भाई, तुम भी हरे भरे हो गए, देखो पत्ते की नई नई कोपले निकल रही है तुमसे। अब तो नए कोपले भी आएंगी, हमें फूल भी लगेंगे और फल भी लगेंगे, तब देखना हमारे आसपास में रहने वाले लोग कितने खुश हो जाएंगे। सब मिलाकर वसंत ऋतु सचमुच खुशियों की सौगात ही तो लाता है। जिधर भी देखो हरियाली, फिर खेतों में फसल, रंग बिरंगे चटक चटक कपड़े पहने हुए मनुष्य भी इस उत्साह में डूब जाते हैं, खुशियां मनाते हैं, एक दूसरे को अबीर गुलाल भी लगाते हैं। ऐसा लगता है जैसे यह पहली होली आ गई हो। तो ऐसा होता है बसंत ऋतु। आइए आप सब मिलकर इस बसंत के मौसम में खो जाइए, खूब खुशियां मनाइए। हैप्पी बसंत, शुभ बसंत आप सभी को।